हाय, दिस इज डॉक्टर ईरा त्रिपाठी फ्रॉम ईरा मनोरोग निदान केंद्र। आज मैं आपको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बताने जा रही हूँ। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और ये एक मानसिक रोग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है जिसके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कई सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिन्हें देख करके आपको आश्चर्य भी होता है और गुस्सा भी आती है कि ये कैसे कर सकता है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर ज्यादातर टीन एज और यंग एज में ज्यादातर पाया जाता है। इसमें इस तरीके की सिम्टम्स होते हैं, लाइक कि नंबर वन, बहुत रिस्की बिहेवियर होता है, यानी वो आप सेल्फ हार्म कर सकते हैं या फिर ऐसा बिहेवियर जिसे देखकर कि बहुत आश्चर्य का या एंगर आ सकता है, लाइक घर छोड़ के जा सकते हैं, अपने आप से वापस आ जाते हैं, छत से कूद सकते हैं, और इस तरीके के कई रिस्की बिहेवियर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखा जाता है। दूसरा जो मेन कारण होता है, ये इनकी बहुत ज्यादा विशफुल थिंकिंग होती है कि कार हो जाए, बंगला हो जाए, मेरे पास ये चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो इस तरीके की विशफुल थिंकिंग होती है। तीसरा होता है कि वो बहुत जिद्दी होते हैं अपनी बात मनाने के लिए, आप खुद को सेल्फ हार्म कर सकते हैं। चौथा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, इनका मूड बहुत जल्दी स्विंग भी करता है, एग्रेसिव होने लग जाते हैं, अब्यूसिव भी हो सकते हैं, फिजिकल अब्यूज भी कर सकते हैं। सो बहुत ही रिस्की बिहेवियर जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है। एंड पांचवा होता है कि ये झूठ बोलते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। ऐसे कई सारे सिम्टम्स होते हैं जिन्हें देखकर के आप लोगों को लगता है कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहा होगा, या बहुत सारे सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये बदतमीजी कर रहा है और इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं, यही बीमारी के सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से वो कर रहा होता है। तो अगर आप ऐसा आपके आसपास या किसी को देखे या आपकी जानकारी में हो, तो तुरंत का तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ना कि कई बार ऐसे लोगों के साथ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, या कई और कई बार घुटने टेक देते हैं कि जैसा वो करना चाहे वो करे। ऐसा सिम्टम्स आपके किसी अपने करीबी के पास या आपने किसी को भी देखा हो तो जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आप हमारे पास आ सकते हैं, डायग्नोस किया जाता है, टेस्ट होता है, इसका बकायदे ट्रीटमेंट होता है। ऐसा पेशेंट कुछ भी जानबूझ करके नहीं कर रहा होता है, यही बीमारी के सिम्टम्स हैं, इसलिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ना कि आप कुछ भी स्टेप उठाएं। कई बार ऐसे पेशेंट के साथ कई फिजिकल अब्यूज करे जाते हैं, पनिशमेंट दिए जाते हैं, या फिर कई सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के सामने घुटने टेक देते हैं कि जैसा बच्चा करना चाहे, और उसकी हर तमाम खुशियों को पूरा करते रहते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कहीं पे भी लगता है कि ये बहुत अलग हो रहा है, नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आपको तुरंत का तुरंत किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सो बाय बाय, अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि ईरा मनोरोग निदान का कहना है कि मनोरोग से मुक्ति यही खुशहाल जीवन की शक्ति।